इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन नेचर। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस इन्वॉल्विंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो ए स्टडी ऑफ द सोर्सेस, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट्स एंड द फेट ऑफ केमिकल स्पेसीज इन द एयर, वाटर एंड सॉयल, विच इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज अपॉन द वेरियस इन्वायरमेंटल सेगमेंट सच एज एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। केमिस्ट्री ऑफ एटमोसफियर। एटमोसफियर इज डिफाइंड एज ए मल्टी लेयर ऑफ गैसियस इन्वलप सराउंडिंग द प्लेनेट ऑफ अर्थ विच सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज ए रिजर्वायर ऑफ सेवरल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड सेवर मेनी फंक्शंस सच एज फिल्टरिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इंसुलेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इट इज ऑल्सो बीन चेंज बाई ह्यूमन एक्टिविटी एंड सम ऑफ दीज चेंजेज आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, क्रॉप एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। द डिस्कस द टेबल द गैसेस एंड देयर रिसोर्सेस। नाइट्रोजन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, ऑक्सीजन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड कंबक्शन ओशियन बायोस्फीयर्स, हीलियम इनर्ट्स है, मीथेन्स बायोजेनिक्स एंड एंथ्रोपोजेनिक्स, हाइड्रोजन बायोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक एंड फोटोकेमिकल, नाइट्रस ऑक्साइड बायोजेनिक एंड एंथ्रोपोजेनिक, ओजोन फोटोकेमिकल, अमोनिया बायोजेनिक, कार्बन डाइसल्फाइड बायोजेनिक एंड एंथ्रोपोजेनिक। ओवरव्यू ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द ग्राउंड लेवल। डिस्कस हियर गैसेस एंड इट्स रेजिडेंस टाइम्स। नाइट्रोजन्स 15 × 10^16 ईयर्स, ऑक्सीजन 8 × 10^3 ईयर्स, वाटर वेपर 6 to 15 डेज, हाइड्रोजन 10 ईयर्स, मीथेन 9 ईयर, अमोनिया 20 डेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 डे एंड पार्टिकल्स माइन्यूट्स ए वीक। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज ए लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इज आल्सो कॉल्ड लिविंग स्फीयर। इट इज रफली 8 to 12 किलोमीटर थिक इक्वेटर टू पोल रीजन, विच इज कंटेनिंग मोर देन 80% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक मास। ट्रोपोस्फियर प्ले ए मेजर रोल इन रेगुलेटिंग एयर टेम्परेचर एज इट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द प्लैनेट्स सरफेस। टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर जनरली डिक्रीजेस विद हाइट, कॉन्ट्रैक्टिंग कंसिडरेबली बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर बाउंड्री। टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज लार्जली अफेक्टेड बाई रेडिएंट एनर्जी एक्सचेंज द अंडरलाइन सरफेस एंड इंसुलेशन इंटेंसिटी। द ट्रोपोस्फियर इज ऑल्सो हाईली डायनेमिक एंड रिच इन वाटर वेपर क्लाउड एंड वेदर। केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इन एन ऑक्सीडाइजिंग मीडियम विच दैट डोमिनेंट स्पेसीज सच एज हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन एंड अनडिजराइबल सॉलिड पार्टिकल इन एयर। वी आर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर।
Firstly, greenhouse effect. The greenhouse effect is mostly caused by the interaction of sun's energy with greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases turn like a blanket, grabbing infrared radiations and preventing it from escaping into outer space. The clear effect of the greenhouse gases is the stable heating of Earth atmosphere and surface, thus global warming. The ability of these gases to capture heat is what caused the greenhouse effect. Greenhouse effect on Earth is caused by water vapor less than 5%, carbon dioxide 0.03 to 0.04%, methane, nitrous oxide, ozone, and chlorofluorocarbon. The contribution of each gas to the greenhouse effect is affected by the property of the gas. For example, methane is about 72 times stronger than the same mass of carbon dioxide. Mechanism of greenhouse effect. The Earth receives a large amount of radiant energy from the sun, and about 30% of this energy is reflected. The longer wave infrared radiation does not penetrate back through the atmosphere as efficiently as did the incident radiation. The reflected heat is absorbed by water vapor and carbon dioxide, thereby warming the Earth. This process, which is known as the greenhouse effects. The show the figures, natural greenhouse effects and enhanced greenhouse effects. Quit a lot of the traps and Earth is warm enough for life. And second, the more heat is trapped and cause the global warming. Annual greenhouse gas emission by different sector. Industrial process 16.8%, power station 21.3%, transportation fuel 14.0%, waste disposal and treatment 33.4%, agriculture byproducts 12.5%, 10.0% land and used biomass burning, fossil fuels 11.3%, and residential, commercials and other resources 10.3%. Chemical reaction for the atmospheric oxidation of carbon dioxide, sulfur dioxide,